इस वीडियो में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक्सेट्रा नोबल गैसेस की एटोमिसिटी वन होती है जैसे हीडियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन और जेनॉन ये सभी नोबल गैसेज हैं उन सभी की एटोमिसिटी वन होती है ये एलिमेंट्स मोनो एटोमिक होते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की एटोमिसिटी टू होती है दैट टू एटम्स इन एलिमेंट्स के कम्बाइन करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं इन एलिमेंट्स को कहते हैं ओजोन की एटोमिसिटी थ्री है और ये ट्राई एटॉमिक है फॉस्फोरस के चार एटम्स आपस में कम्बाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं इसलिए फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है सल्फर के एट एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल सल्फर का फॉर्म करते हैं इसलिए एटॉमिक एलिमेंट है कार्बन के मॉलिक्यूल्स जैसे डायमंड और मेटल्स का सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स केमिकली एक साथ जुड़े हुए होते हैं इनमें से सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है पर्कमस्टर फुलेरिन का जिसमें सिक्सटी कार्बन एटम्स एक साथ बॉन्ड होते हैं और फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं ना विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ के मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये डिफरेंट एटम्स एक डेफिनेट फैशन में और डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है वाटर का एंगुलर स्ट्रक्चर होता है और अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है मीथेन का टेट्राहेड्रल हेड्रल स्ट्रक्चर होता है